पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी कौन थे, कितने बड़े क्रांतिकारी थे, इसकी चर्चा आज हम करेंगे। पंडित रामप्रसाद बिस्मिल साधारण किसान परिवार में जिन्होंने जन्म लिया, पूज्य स्वामी जी महाराज का जन्म भी साधारण किसान परिवार में हुआ। वह अंग्रेजी के बहुत बड़े जानकार थे, वह एक शायर थे, एक अनुवादक थे, एक लेखक थे, एक साहित्यकार थे, एक इतिहासकार थे, एक कवि थे, कई भाषाओं को जानने वाले थे। वो अध्ययनशील, चिंतनशील और मननशील क्रांतिकारी थे। उनके मन में आज़ादी के बाद भारत का की व्यवस्थाएं कैसी हों उसके लेकर बहुत बड़ा सपना था। वह खुद एक योगी थे, एक संत थे, अंदर से एक सन्यासी थे, लेकिन उस समय आवश्यकता थी संघर्ष करने की, तो उन्होंने सन्यास ना लेकर क्रांतिकारियों का संगठन बनाया। पंडित रामप्रसाद बिस्मिल वो थे जिन्होंने कलम और पिस्तौल दोनों को हथियार बनाकर अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर करने के आंदोलन की नींव डाली। पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी का जन्म 11 जून 1897 में एक गरीब किसान के घर में उनका जन्म हुआ। संघर्ष उन्होंने खूब देखे। उनके दादाजी ग्वालियर के रहने वाले थे। ग्वालियर का ये चंबल का जो इलाका है ये विद्रोही इलाका है, और यहाँ से अंग्रेज भी घबराते थे, अंग्रेजों को लगान नहीं देते थे, अंग्रेजों को भी परेशान करते थे, और अंग्रेजों ने जो अत्याचार किया क्योंकि वो विद्रोही स्वभाव के थे, इसलिए आज़ादी के बाद भी वहाँ पर विद्रोही स्वभाव रहा। पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी के पूर्वज वहीं के रहने वाले थे। बाद में वो शाहजहांपुर आ गए, उनके पास कुछ भी नहीं था, तो उनके दादाजी, उनके पिताजी ने अपनी मेहनत और पुरुषार्थ के बल पर वहाँ पर अपनी एक व्यवस्था बनाई, अपना एक समाज में ऊंचा रसूख हासिल किया। उनका बचपन में जब उनका जन्म हुआ तो 4-5 साल के थे, तो एक ज्योतिषी ने उनका हाथ देखा और हाथ देखकर कहा कि ये जो बच्चा है ये बहुत भाग्यशाली है, अगर ये जीवित बच गया तो ये किसी देश का सम्राट बन सकता है, किसी देश का राजा बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन इसके जीवित बचने के चांसेज बहुत कम हैं। फिर गांव में जैसा होता है उन्होंने टोटके करवाए, क्योंकि उनका जो पिताजी का परिवार है वो सनातनी परिवार था, तो वो उन्होंने टोटके करवाए, खरगोश को मंगवाया, उनको कुछ टोटके करवाए उनकी माताजी ने, दादी जी ने। पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी ने 30 वर्ष की आयु तक जीवन जिया। 30 वर्ष की आयु में उनका 11 वर्ष का जीवन पूरा क्रांतिकारी जीवन था। 19 वर्ष की आयु में उन्होंने महसूस कर लिया था कि संकल्प ले लिया था कि मुझे अपना पूरा जीवन अंग्रेजों को देश के बाहर निकालने में ही बिताना है।